पहलवानों के 3 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद भारत सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर कार्रवाई करेंगे। अब इस पर एक ताज़ा अपडेट आई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि सरकार ने इस मामले पर एक जांच कमेटी बनाई है। इसके साथ ही अनुराग ने यह भी बताया कि WFI के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे और उसके दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे। अनुराग ने कहा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी, वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी, हम बनाएंगे। आज मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि ओवरसाइट कमेटी मैरी कॉम, जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है, उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। इनके साथ योगेश्वर दत्त, जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट रहे हैं, वो उनके साथ कमेटी में होंगे। तृप्ति मुरुगंडे, जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो इसकी सदस्य होंगे। पूर्व CEO टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी, वो इसके सदस्य होंगे। राधा श्रीमन, पूर्व ED टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है, जो मैरी कॉम जी के नेतृत्व में बनेगी, और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। बताते चले कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के बाद तहकीकात करने के लिए 7 सदस्यों की एक जांच समिति भी बनाई थी। 20 जनवरी को बनाई गई इस समिति में देश के कई दिग्गज एथलीट को शामिल किया गया था। PT उषा की अध्यक्षता वाली IOA ने इस मामले में जो समिति बनाई उसमें वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम, तीरंदाज डोला बैनर्जी, IOA ज्वाइंट सेक्रेटरी अलकनंदा अशोक, पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव, संघ 2 वकील भी शामिल किए गए थे। क्या है पूरा मामला, अब ये बता देते हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई पहलवान 18 जनवरी से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। महिला पहलवानों ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। इसके साथ ही फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का भी आरोप लगाया गया। इस मामले में विनेश ने कहा था, कोच महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हम लोग अपना करियर दांव पर लगाकर धरने पर बैठे हैं जिससे कुश्ती को बचाया जा सके। हालांकि पहलवानों के आरोपों को बृजभूषण ने सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा कि अगर उन पर लगाए आरोप सिद्ध होते हैं तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। 20 जनवरी को ही एक मीटिंग के बाद भारत सरकार ने पहलवानों को आश्वस्त किया था कि लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई होगी, जिसके बाद पहलवानों ने धरना रोक दिया था। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। रेसलर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप फिलहाल ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं। यहां आपको इंडिया से जुड़ी, इंडिया के स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको इंडियन टीम की हर अपडेट वो भी मिल जाती है। सोशल मीडिया पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए हम हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही था। ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। शुक्रिया।